दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं, जब वे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो उनकी हड्डियों में से आवाज आनी शुरू हो जाती है, तो इन्हें मेडिकल भाषा में क्रेपिटस कहा जाता है। क्योंकि ये होता है इसीलिए कि हमारे जोड़ों में एक लुब्रिकेट नामक लिक्विड होता है। जब यह लिक्विड के अंदर हवा भर जाती है और यह हवा बबल्स के रूप में हो जाती है, तो जब हम चलते हैं, उठते हैं या फिर बैठते हैं, तो ये बबल्स ब्लास्ट होते हैं, यानी कि फूटते हैं, जिसकी वजह से इसमें से आवाज आती है, जिसे हम कट कट की आवाज कहते हैं। अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो ये आगे चलकर ये हवा जॉइंट पेन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आर्थराइट्स या जोड़ों के दर्द का रूप ले लेती है। इसीलिए हमारे जोड़ों में लुब्रिकेट होना चाहिए, यानी ग्रीस होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू चीज के बारे में बताऊंगी कि जिन्हें अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो जिनकी हड्डियों में से आवाज आती है या फिर लुब्रिकेट की कमी है या घुटनों में लचक पड़ती है, साथ ही हड्डियों में कहीं भी गैप है, तो वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाने में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, जो कि हमारे हड्डियों से हवा को खत्म करते हैं। आप कम से कम एक महीने तक इस मेथी दाने का यूज जरूर करें। इसके लिए आप रात को एक चम्मच मेथी दानों को पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसे आप खा लीजिए, और बचे हुए पानी को हल्का सा गुनगुना करके पी लीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं इसका सेवन न ही करें। जिनकी हड्डियों में कमजोरी है, उनको कैल्शियम युक्त फूड लेना चाहिए, और सबसे बेहतरीन कैल्शियम युक्त फूड है हल्दी वाला दूध। जी हाँ, हल्दी वाला दूध रात को रोज पीने से बॉडी में कैल्शियम की कमी दूर होती है। इसके अलावा जब आप आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो 50 ग्राम आटे में 25 ग्राम अलसी का पाउडर डालकर आप इस आटे की अगर रोटी खाते हैं, तो बॉडी में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि आपको रोजाना ऐसी ही रोटी खानी है, मगर आप वीक में 2 से 3 बार जरूर खाएं। तीसरी चीज है गुड़ और भुने हुए चने। जी हाँ, यह कंप्लीट फूड है जिसमें बहुत सारा आयरन और कैल्शियम होता है, जो हमारी बॉडी को मजबूती देता है और साथ ही हड्डियों में लुब्रिकेट की कमी नहीं होने देता, और साथ ही जिनको चलते टाइम लचक महसूस होती है, वो भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।